आज नहान के 10 किलोमीटर। जय हिंद दोस्तों, जय शिवकाली। आज नहान के 10 किलोमीटर ऊपर छाबड़ी नाम का एक गांव है, तो वहीं पे रुक गए थे कल, एक दिन रेस्ट भी कर लिए और आज वहीं से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। 7:10 में जर्नी स्टार्ट हुई है। आज हम सोलन की तरफ जाएंगे, तो मैं रेडी हूँ। हालांकि वो रेस्टोरेंट के कोई अभी तक नींद से उठा नहीं है, एक बंदे को ज़बरदस्ती उठा के मैंने बोल के आया कि भाई मैं निकल रहा हूँ और अभी चलते हैं आगे, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये रास्ता है सोलान की तरफ जा रहा है नाहन से। रास्ते के ऊपर पहाड़ टूट के गिर गया, दूसरा पहाड़ जैसा बन गया और साफ करने का हालत में था नहीं, तो रास्ते को यहाँ से टेम्पोररी घुमा दिया गया है इधर से, इधर से थोड़ा सा कच्चा बना के आगे रोड पे उठाया गया है। तो ये होता है पहाड़ों में। तो आज जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी वैसा लग रहा है, रास्ते भी अच्छे हैं, यहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं है, लगभग प्लेन प्लेन रास्ता जा रहा है, पर ये व्यूज़ खूबसूरत आ रहे हैं और बनते जा रहे हैं ना, अच्छा खासा जगह मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है, तो ये बढ़िया है, खूबसूरत खूबसूरत व्यू आ रहे हैं। ऐसे ही चलते जाएंगे, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आज सोलान के तरफ जा रहे थे, अभी सड़ाहो के पास है, सड़ाहो के पास बस पहुंच गए। यहाँ पे खूबसूरत सा एक मंदिर मिला और भोलेनाथ की मंदिर है, जय भोलेनाथ। अभी आज हम नहाए नहीं है तो मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे और यहाँ पे साइड में व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, बट बादल छाए हुए हैं, कोहरे हैं, धुंध सा, तो कुछ दिख नहीं रहा है कैमरा में, वैसे खाली आँखों से दिख रहा है अच्छा खासा खूबसूरत सा व्यू है, पर खाली आँखों से देख रहे हैं बट मोबाइल से नहीं दिख रहा है। चलते हैं आगे, चलेंगे देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं। तो मैं सोलान की तरफ जा रहा हूँ, सोलान होकर शिमला की तरफ। ये सराहो है, यहाँ से 1 किलोमीटर बाकी है। रास्ते में आते वक्त ये बोर्ड दिखा मुझे, स्वर्गद्वार ओम शांति। आइए देखते हैं ये क्या है। आई होप कि सब समझ ही गए होंगे ये क्या है। ये है स्वर्गद्वार, जिसे हम शमशान बोलते हैं, बर्निंग एरिया। फिलहाल एक पहाड़ी के टॉप साइड रास्ते से जा रहे हैं, जो पहाड़ी के एकदम टॉप से बना हुआ है ऊपर से, और यहाँ पे नदी मज़ेदार बना हुआ है, बादल, ये सब बादल है। कभी आप बादलों से बीच से जाएंगे तो ऐसा ही दिखेगा आपको कि ये गाड़ी नहीं ना, अभी बस खत्म, अब नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी कम होती है यहाँ पे। वेदर तो काफ़ी अच्छा है, उम्मीद है कि बारिश ना हो, ऐसे मौसम में साइकिल चलाना काफ़ी आसान हो जाता है, और पता नहीं कब अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाए, पता नहीं चलेगा। चल रहे मस्ती करते करते आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। फिलहाल बादलों के बीच से गुजर रहे हैं, यहाँ पे पूरे बादल छाया हुआ है, तो पास में तो नहीं दिखता आपको, इधर से दिखेगा, इधर जो एकदम पास में होता है वो तो नहीं दिखता है, पर थोड़ी सी ही डिस्टेंस में दिख दे रहे हैं। तो जा रहे हैं बादलों के बीच से, देखिए बाइक जा रहा है ना, रास्ता लगभग थोड़ा सीधा ही है, ये गुम हो गया, दिख नहीं रहा है, आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो ऐसे होते हैं बादल उड़ रहे हैं, मोबाइल का लेंस में दिखता नहीं है अच्छे से। खैर चलते हैं, समझ में तो आ रहे हैं।
कुछ बाइकर्स जा रहे हैं यहाँ से मस्ती में शिमला की तरफ। ये जा रहे हैं कुछ बाइकर्स, वो करते करते हम तो मस्ती में हैं, हम तो मस्ती करते करते जाते हैं, ये लोग भू भू करते करते जा रहे हैं। ये भी मस्ती करते हैं, बहुत मस्ती होता है इनको भी। ग्रुप में निकलते हैं 5-7 बाइक एक साथ। सोलन के रास्ते जा रहे हैं आज, सुबह से चल रहे हैं, अभी लगभग शाम के 5 बजने वाले हैं। अभी ये कुमारहाटी नाम का एक गांव है, गांव नहीं अच्छा खासा शहर है, तो यहाँ पे आप पहुँचे हैं ये। और मैं पूरी पहाड़ी में ये पहला ओवर ब्रिज देखा, उत्तराखंड और हिमाचल में जितना भी घूमा अब तक ये पहला ओवर ब्रिज है, पहाड़ में ये पहला ओवर ब्रिज है। इधर एक गुरुद्वारा है, इधर अच्छा खासा बना है, बनावट अच्छा है शहर का। और कुमारहाटी चंडीगढ़ नाहन, वो रास्ता ये ओवरब्रिज वाला शायद चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है। इधर सामने से एक टनल है, अब टनल से साइकिल को घुसने देंगे या नहीं देंगे पता नहीं, मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ फिलहाल। अगर नहीं देंगे तो काफ़ी सारा रिटर्न आके फिर जाना पड़ेगा, और यहाँ से लगभग और सोलान 11-12 किलोमीटर जैसा बाकी है। चलते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने में, पहुँच जाएंगे। और अगर टनल से घुसने दे दिया तो शायद थोड़ा आसान हो जाएगा, देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी भी सोलन के रास्ते ही जा रहे हैं, उधर कुमारहाटी से जो टनल है उसमें से जाने नहीं दिया गया, वो बस कुमारहाटी की तरफ आने वाले लोगों के लिए है, सोनल की तरफ जाने वाले के लिए नहीं जाने देते ना। तो यहाँ पे बस रुके हैं 2-4 मिनट के लिए, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो खैर धुंधला है तो शायद मोबाइल से अच्छा से दिखे नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, ये खाली आंखों से अच्छा खासा दिख रहा है फिर भी। और इधर सूरज भी है, आज काफ़ी अच्छा रहा दिन, आज ज़्यादा गर्मी नहीं हुई, सूरज की तेज़ रोशनी तो मिली और आराम से चला पाए मज़ा से। खैर आज रास्ते में लोग बहुत मिले थे रोकने वाले, तो आज काफ़ी जगह में रुकना पड़ा, और चल रहे हैं एंजॉय करते करते। साइकिल यहाँ पे थोड़ा खड़ा कर दिए, एक पैकेट बिस्किट खा लिए बस, और बस अभी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर बाकी है, पहुँच जाएंगे, टाइम है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, और पहुँच के रही रुकने का इंतज़ाम भी हो ही जाता है ना। आप पड़ता है यार, कहीं पे भी बैठ, कहीं पे भी डाल लेंगे अपना डेरा। तो चलते हैं, थोड़ा 10-5 मिनट यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर आगे को निकलेंगे।